अब उठो क्या? नहीं, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? अभी तो चांदनी है। चांदनी? चांदनी नहीं, सूरज निकला है। झूठ, मुझे चांद दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता। तुम्हें देखना चांद? मेरी आंखों में देखो। नहीं दिखा? इतने दूर से कैसे देखोगी? पास से देखो ना। मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। वो चिट्ठी चिट्ठी लाया है? जो उधर नाम लिखो। जो अरे माशाल्लाह, मालिक जोर तक रहा। कैसा है? अच्छा है। अच्छा, मौजी कैसा है? माजी बेबी बेबी ओ बेबी बेबी। अच्छा, तुम कैसे लगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अच्छा है। अच्छा, किधर जाता है?
रामो ब्रदर राम कबर हो मिस्टर जान का नमस्कार राम भैया मदर ने आपको ब्लेसिंग भेजा है कटलेट भेजा है लो रामू भैया लखनऊ के आम के आचार का जायका देखोगे खाली आया रामू भैया तुम वहीं बैठो तुम तो हमारे अफसर हो अरे तुम्हें यही बैठूंगा उसमें क्या हुआ हमारे अफसर हो खुदा तुम्हें तरक्की दे रहा है थैंक यू राम भैया पराठे बड़े बाग गरम गरम गुड एक लेता हूँ राम राम रामू दादा राम राम बनवारी मेहरबानी करके अपने अंडर में बुला लो ना कहाँ उस मनहूस सुपरवाइजर के अंडर में पड़ा हुआ हूँ अरे अपने सुपरवाइजर गंगा प्रसाद उसका नाम ले रहे हो खाते समय मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता ऐसा नहीं कहा जाता बनवारी ठीक ही तो कहता है रामू भैया गंगा प्रसाद तो हम मजदूरों के खून को गंगा जल समझ के नहीं जाता सुनील जी अरे उन्हें सुना तो गजब हो जाएगा हवा हो जाएगा अरे अफसोस की बात है वो तो इंजीनियर बनने वाला है तो क्या वो सीनियर वही है अगर इंजीनियर बने तो हमें क्या अपने तो काम से मतलब है फिर भी रामू भैया वो आदमी जो है ना अरे भाई गॉड की शान कभी कभी गधों को भी काऊ पहना देता है मजबूर आ गया खुदा की शान आ रही है खाना खाओ छोकरा एक पानी का गिलास लाओ यार छोकरा भाई हाँ सर देखो एक प्लेट मुर्गी लाओ दो परोठा और चावल लाओ जाओ साहब उधार नहीं मिलेगा पहले के पैसे लाओ बदतमीज कहेगा का चांद गा के हो गांव वाले किसी से मुझे मिलने दो फिर एक एक को दिखाता हूं मैं अरे बनवारी हाथ टूट जाए क्या सलाम क्यों नहीं करता मैं काम की खाता हूँ सलाम की नहीं और सलाम सबको नहीं किया जाता सलाम रामू दादा ए भाई ए चौधरी साहब कहाँ है इधर आपको ऊपर बुलाया है किसने आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है जाता हूँ तो Assuring you of our best of cooperation. That's all. Yes, come in. हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि गामड़िया मास्टर की जगह खाली हो गई है और उस जगह के लिए तुम्हारी अपॉइंटमेंट होगी मेरी अपॉइंटमेंट थैंक यू सर लेकिन मेरे से मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो जूनियर होते हुए तुम्हें ये तरक्की कैसे मिल गई लेकिन इसकी एक खास वजह है ये वजह मैं भी तो सुनूं आखिर मेरा हाथ क्यों मारा गया क्या मैं इससे सीनियर नहीं हूँ मेरा काम कौन सा खराब है तुम सीनियर हो तुम्हारा काम भी खराब नहीं दरअसल यह हक तुम्हारा ही था तो फिर मगर जिस आदमी के हाथ के नीचे हजारों मजदूर काम करते हो उसमें सिर्फ सीनियरिटी या काम नहीं देखा जाता उसमें कुछ और भी चाहिए और क्या चाहिए आपको करेक्टर चाल चलन जो तुम में बिल्कुल नहीं है इसलिए ये तरक्की रामू चौधरी को दी गई है समझे अच्छा समझ गया इसका चार्जिंग अच्छा है और मैं बचलम हूं तुम जा सकते हो सलाम साहब रामू चौधरी ये रहा तुम्हारा ऑर्डर कल से अपना चार्ज संभाल लेना गुड लक थैंक यू सर बाबा मेरे को बहुत पटाखे चाहिए हजार लाख दो पटाखे मैं जरूर पटाखे ले आऊँ सच मैं तुम्हें झूठ बोलता हूँ बाबा माँ कह रही है तू झूठ बोलते है ऐसा कहा माने चल माँ को दिखाता हूँ आ मेरे साथ मैं यहाँ हो बेटे माँ ये लड़की कह रही है कि मैंने झूठ कहा ठीक है तो कह रही है क्यों क्या झूठ कहा मैंने बताओ क्या झूठ कहा था पिछली दिवाली पर कहा था कि बहू के लिए सोने की चूड़ियां ले आऊंगा दूसरी दिवाली भी आ गई लाई तूने ओहो बाबा झूठा झूठा झूठा
हो तो मैं तभी ले आता माँ, लेकिन तुम तो जानती हो जॉन की माँ बीमार हो गई थी इसलिए रुपए खर्च हो गए, और तुमने नहीं कहा था कोई मुसीबत में उसकी मदद करना, लेकिन इस दिवाली में अगर न लाया तो मुझसे कहना। चूड़ी की अभी कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले माँ की शाल लाना, बिल्कुल फट गई है। तुम क्या समझी कि मैं शॉल के बारे में भूल गया, कल तनख्वाह मिलने दो सबसे पहले मैं शॉल लाऊंगा। और मेरे फटाके? अरे हाँ हाँ, मेरे फटाके? सबसे पहले मैं फटाके लाऊंगा। सबसे फटाके? हाँ फटाके फटाके। सबसे पहले फटाके, फिर शॉल, और फिर बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि लॉटरी निकल आई। लॉटरी क्यों निकल आएगी, लॉटरी तो निकलने के लिए है, हम तो मजदूर ठहरे, मेहनत करते और कमाते हैं। जब मैंने सोचा कि पैसे ज्यादा आने वाले हैं तो खर्च क्यों करें। पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से, बोनस मिला है क्या? लो माँ, इसे पता ही नहीं कि अमीरों से बोनस लेना कितना मुश्किल। बोनस नहीं, मैं सुपरवाइजर से इंजीनियर बन गया हूँ। इंजीनियर? हाँ, पैर छूने दो माँ, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। जीती रहो बेटा, लेकिन ये पहले तुमने कभी बताया ही नहीं। हाँ मुझे कहाँ मालूम था, दरअसल ये गंगा प्रसाद गाग था, लेकिन मैनेजर ने मुझे बुलाया, अका मिस्टर रामू हमने तुम्हें सुपरवाइजर से इंजीनियर बना दिया क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है। क्या अच्छा? कैरेक्टर, कैरेक्टर है, चाल चलन वो अच्छा है क्या? हाँ, क्या मतलब मेरा चाल चलन बुरा है क्या? कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, वो मैनेजर का बच्चा क्या जाने कैरेक्टर क्या होता है। एक शरीफ आदमी नीति दिखाए तो कुछ बड़ी बात हुई, लेकिन एक बदमाश आदमी नीचे दिखाए तभी कुछ बात बनी ना। अरे कैरेक्टर दिखना तो चंदा प्रसाद को देखो, जिसने अपने मोहब्बत के खातिर दो बच्चों को ठुकरा दिया। शाबाश, मैं तो रामू की जान को रो रहा हूँ, उसके यहाँ घी के दिए जल रहे होंगे और मेरा यहाँ खून खोल रहा है। जब तुम्हारा खून खोलता है दूसरे या तीसरे दिन किसी का खून हो ही जाता है, और तुम्हारे दामन से जरा भी दबा नहीं आता। अभी ऐसे होगा, अभी ऐसे होगा मेरी जान, मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? खैर, पहले सबसे बड़ी गवाह का मुंह उधर कर दू, कल सवेरे मिल में तेरी इसी तरह कलाई पकड़ूंगा। और हाँ, चिल्लाएगी? हाँ। जोर से चिल्लाएगी? हाँ, इसी तरह। फिर वो तुझे बचाने के लिए आएगा तो शाम को खुद ही चिल्लाएगा चिल्लाएगा। और सुन, इसके बाद तुझे क्या करना है? शाम को तेरे साथ आएगा, तेरे साथ ऐसा आएगा, अकेला आएगा। बैरन हो गई रात या दिन, बैरन बैरन हो गई रात या दिन, बैरन हो गई रात या दिन, बैर ओ बैरन हो गई रात या दिन, बैरन हो गई रात। अरे तू अब तक सोई नहीं? बैरन अब तक सोई क्यों नहीं? बाबा मुझे कहानी सुनाओ। हाँ तुझे कहानी सुनाऊंगा, तेरे लिए पटाखे भी लाऊंगा, तू आके बंद कर ले। अरे बाबा के भी बंद कर ले मैंने। अब सुन, एक था राजा, उसकी थी एक रानी। एक ही थी? राजा को बहुत सी रानी होती है। अरे हाँ, राजा को तो बहुत सी रानी होती है, लेकिन वो भी मेरे जैसा गधा राजा, तो उसकी एक ही रानी थी। अब सुन, वो राजा लड़ाई जीत के घर आया तो रानी से मिलना चाहता था, लेकिन रानी तो बैठी थी दूर, तो कहा राजा ने कहा रानी इधर आओ, उसने कहा मैं चंदा को खाना खिला रही हूँ। उसकी लड़की का नाम चंदा था। कलम भी चंदा था तो फिर राजा का नाम होगा रामू, रानी का जानकी। बिल्कुल ठीक कहा, राजा का नाम रामू ही था, रानी का नाम जानकी था, लेकिन जब चंदा खाना खा चुकी और तब भी रानी नहीं आई तो राजा ने पूछा रानी तुम क्या कर रही हो, आती क्यों नहीं? रानी ने कहा मैं बर्तन मांज रही हूँ। तब आ गया राजा को गुस्सा, तो राजा ने कहा रानी इधर आओ। क्यों रे, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इसको कहानी सुना रहा था। इतनी रात पे? मैं समझी तुझे कुछ चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सो जा जा। कहाँ जा रही? ठंडी हवा आ रही है, खिड़की जरा बंद कर दो। हमारा सर्दी का मौसम शुरू हो गया ना, कल मैं तेरे लिए शाल जरूर ले आऊंगा। मेरी शाल रहने दे, पहले बहू के लिए सोने की चूड़ियां लेकर आ, सिर्फ कांच की चूड़ियां पहनती है मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले शाल लाऊंगा फिर लाऊंगा चूड़ियां। बाबा जूता, बाबा जूता। क्यों क्यों? पहले पटाखे। पहले पटाखे फिर दादी के लिए शाल, फिर माँ के लिए चूड़ियां। इसकी नींद न जाने क्या हो गई। चल मेरे साथ, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ
तेरा बाबा बचपन में बिल्ली से डरता था। बाबा बिल्ली से डरता था वो कहानी सुनाऊंगी ना। तू भी डरेगी देख। म्याऊ। बहू रात बहुत हो गई है, जा सो जा, बाकी का काम सुबह कर ले। बस अब यही कहा है माँ। अरे पानी चाहिए ना? पानी पिला दे, दिन भर का प्यासा तो हुई। अरे कितना पानी पी रहा? अरे प्यास भी तो बुझने दे, अब तुझे फुर्सत मिली आने की है? क्या करती, राजा ने जो चिल्लाना शुरू किया रानी इधर आओ रानी इधर आओ, और फिर माने भी तो कहा जाओ सो जाओ। अच्छा माने का इसलिए आई तू? और नहीं तो क्या, जानबूझ के शेर के पास कौन आए? शेर? अब मैं शेर बन गया? मैंने किसको काट खाया? अपने दिल से पूछो ना। शेर का तो कैरेक्टर ही काट खाने का, जिसको पसंद हो आए ना पसंद हो ना आए। गुस्सा आ गया सुपरवाइजर साहब को? सुपरवाइजर नहीं इंजीनियर, लेकिन क्या फायदा इंजीनियर हो सुपरवाइजर हो गवर्नर हो, बीवी के सामने तो चूहा ही बन जाता है। दूसरों का ख्याल भी करना चाहिए शरीफ आदमी। अच्छा कितने साल हो गए हमारी शादी को? 5 साल। अच्छा मुझे तो लगता शादी हुई नहीं, मेरा कैरेक्टर खराब है, मेरी चाल चलन अच्छी नहीं। दूर बैठ दूर। अरे सचमुच चली, दूर बैठ यानी पास आ। सच कहता हूँ जानकी, शायद जितना पुराना होता उतना ही अच्छा होता। दवा के तौर से तो तुमने मुझे दवा समझ रखा है। हाँ तो तू दवा तो है ही। देखना शाम को मैं थका मजा आता हूँ, तुझे देखते ही मेरी थकान दूर हो जाती। क्या करे मुझे शर्म आती। शायद कितने साल हो गए शादी को? 5 साल। और अब भी वैसी शर्मा रही जैसे कि शादी की पहली रात। जान की कई चीजें ऐसी जो कभी पुरानी नहीं होती, चांद और चांदनी कभी पुरानी नहीं है। वैसे पति पत्नी का प्रेम देखना, आज भी तेरी आंखों में वही शर्म है, बोलने में वही मिठास। नहीं। मैंने कोई ऐसी सी बात कह दी? ये तो सुख के आंसू है, इस दुनिया में मुझ जैसी सुखी कोई नहीं होगी, सच मुझ कोई नहीं होगी। झूठ, सब सुख मिल गया तुझे? सब। कोई जी माँ, मेल की सीटी बज गई है, जगाओ ने? अच्छा हुआ तू नहीं आई, अब तकिया भेज देगा ना जलाने के लिए। क्यों तकिया अच्छा लगता है? क्या नहीं, कम से कम ये तकिया तो ये नहीं कहता छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे। चंदा 4 साल की हो गई लेकिन अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। बचपना? लेकिन मेरा कसूर नहीं, ये कसूर तेरे पिताजी का है। क्या क्या उन्होंने? क्या किया उन्होंने? अरे तुझ जैसे खूबसूरत लड़की को जन्म दिया, ये पहला कसूर। और उसकी शादी एक समझदार और अच्छे चाल चले वाले से किया, ये दूसरा कसूर है कि नहीं? बस बस अब बातें मत बनाओ, चलो उठो, बड़े अफसर बन गए, जल्दी काम पर जाना होगा। बड़ा अफसर बन गया हूँ इसीलिए देर से काम पर जाऊंगा। फिर सो गए? सुबह की घड़ी इस तरह हाथ से नहीं गवानी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, सुबह की घड़ी इस तरह हाथ से नहीं गवाना चाहिए। फिर आंचल पकड़ लिया, मैं कहती हूँ आज मुझे जान नहीं देखना। अजीब लड़की है, पति पत्नी का आंचल नहीं पकड़ सकता। पकड़ सकता लेकिन अकेले में। अकेले तो यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। माँ गई तो? माँ गई तो जो छोड़ दूंगा। चंदा आ गई तो? अरे छोड़ना, मैं खूब समझता हूँ औरतों के बहाने। बहाने नहीं, ये हम औरतों की जिंदगी है, इसी आंचल में स्त्री की लज्जा, उसका पातिव्रत और ममता छिपी हुई है। आंचल संभालने वाली स्त्री हमेशा सीधी राह पे चलती है, लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझोगे, पुरुष हो ना। अरे बाप रे, आज तो तूने मुझे छाप दिखा दिया। चलो उठो। अपनी
जानते हैं मेरा कोट कहाँ है? अभी लाती हूँ। ये लो। अरे वो काला कोट कहाँ गया? वो मैंने धोबी को दे दिया है। और ये नया कोट खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ? अब इंजीनियर बने हो, नया कोट पहन के जाना चाहिए, समझे? तू कहती तो खुद ही पहना दे। अब देर नहीं होगी। अब तो देर हो ही जाएगी। चलो जाओ काम पर। मां जाता हूं मैं। अरे कोट तो सीधा पहन लो। हाँ पहन लूंगा। तो कौन हो क्या मुझे पूछने वाला? मैं तुम्हारा अफसर हूँ, यहाँ मैं हरकत कभी नहीं होने दूंगा। यहाँ अच्छा रास्ते भी तो मिलेगी। बापू जी, आप उस आदमी से क्यों दुश्मनी मांगी?
बड़ा खतरनाक आदमी है वो। ऐसे बहुत जैसे खतरनाक आदमी, अगर फिर कभी ऐसी हरकत की तो मुझसे कहना, नहीं जाओ अपना काम करो। बापूजी, मुझे बड़ा डर लगता है उस आदमी का, हो सके तो आप मुझे घर तक पहुंचा देंगे। मैं तुम्हें घर तो जरूर पहुंचा देता, लेकिन आज दिवाली की रात है, कमर्शियल स्ट्रीट से मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा जाइए, मुझे डर लगता है कहीं वो रास्ते में ना मिल जाए। ठहरो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। गाड़ी ठहरो, आओ मेरे साथ। रामू नहीं आया अभी तक? नहीं माँ। आ जाएगा, लेकिन वो पगली अभी तक इंतजार कर रही होगी उसका। जाओ उसे ले आ, शाम हो गई। अच्छा चंदा रानी, अब शाम हो गई है, चलो अंदर। मैं नहीं चलूंगी, बाबा नहीं आया। आज तेरे बाबा देर से आने वाले हैं, तेरे लिए फटाके लेने गए है ना? झूठ बोलती है। नहीं नहीं बेटी, मैं सच बोल रही हूँ। माँ मैं बाबा से नहीं बोलूंगी, और तू भी नहीं बोला। अच्छा अच्छा, मैं बाबा से नहीं बोलूंगी और हमें से कोई भी नहीं बोलेगा तेरे बाबा से, बस। मैं बाबा को पप्पी भी नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा, नहीं देना, तू भी मत देना। बाबूजी, वो रहा मेरा मकान। चलो। अच्छा मैं चलूं? आइए बाबूजी, कम से कम चाय तो पीते जाइए। नहीं वैसे देर हो चुकी है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मेरी छोटी बच्ची है ना, वो तो मेरे बिना। अरे हाँ, मैं भी कितनी पगली हूँ, सबको अपने जैसे अकेली समझती, और आप जैसे बड़े आदमी मुझ जैसे गरीब। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा चलो थोड़ी देर बैठता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ। ये बाबूजी, बहू कब तक राह देखेगी बेटी? मेरा ख्याल है रात पानी में काम निकल आया होगा। चल तो खाना खा ले। नहीं माँ, उनके बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ, और आपने भी तो नहीं खाया। तो सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना, कल दिवाली है। मेरा ख्याल है सुबह जल्दी आ जाएगा। क्या रे चल, मेरे हाथ में आए हैं। क्या
मरे या पीस लोग ये समझेंगे कि ट्रेन के नीचे मर गया। कठोर नहीं, सो जा तू, सुबह तेरी आंख खुलने से पहले ही रामू घर आ जाएगा। डर लगता है माँ। मैं बैठी हूँ ना तेरे पास, चल सो जा माँ। मुझे फूल जड़ी देना। जा जा, मैंने भी मुझे फूल जड़ी तेरे बाप से माँ। जा बाबा भी मिठाई और फटाके लेके आएंगे। हो अभी रोना मत। देख तो देख तेरे बाबा आ गए। माँ बाबा आ गया। रामू चौधरी का मकान यही है? हाँ हाँ, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया, कुछ काम था उससे। नहीं, लेकिन आपसे कुछ पूछना था। हवालदार, इस कोर्ट को पहचानती हैं? हाँ, ये उन्हीं का कोट है, कल ही मैंने निकाल के दिया था माँ। ठीक, और कुछ चीजें भी हैं, ये शाल माँ, ये चूड़ियाँ। ये मेरे लिए पटाखे ना लाए? हाँ हाँ, ये ले पटाखे। बाबू ने बना के लाए, बाबू ने बना के लाए। ये सब चीजें तुम्हारे हाथ से थी, रामू क्यों नहीं आया? इतना भी क्या काम है, घर वालों का भी कुछ ख्याल करना चाहिए। आज दिवाली है। तुम चुप क्यों? रामू कहाँ है? कहाँ है मेरा रामू? मुझे अफसोस है कि आपका लड़का ट्रेन के नीचे आकर मर गया। लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर ये बोट और ये मिल का कार नहीं मिलता तो शायद हम भी ना उसे पहचान सकते। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा माँ, कभी नहीं। रामू के पास जल्दी से पहुंच जाओ। जहर के नाम तो तीनों साथी पिएंगे माँ, हम भी किसके सहारे जी। दादी 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 दादी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, बाबा पास ले जाऊंगी ना। माँ, तुम्हारा इस तरह दिल तोड़ देने से कैसा चलेगा? रामू भैया ने तो इन बेचारों से आंखें फेर ली। अब क्या तुम भी वही करना चाहती हो? क्या ऐसा करने से मेरे रामू भैया की तड़पती हुई रूह को चैन मिलेगा? नहीं माँ, नहीं। अब तुम अपने लिए नहीं, इनके लिए जियो। मरने वाले की इस निशानी के लिए जियो माँ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। ठीक कहता है अनवर, तू ला पिला दे मुझे दवाई, मैं जीऊंगी। Thank you.
मर मर कर दूंगी। रामू का बाप भी इसी उम्र में रामू को छोड़कर चला गया था, तब से मैं सिर्फ रामू के लिए जी रही थी। आज भगवान ने मेरी जिंदगी में वही खेल फिर खेला। अगर उसकी यही मर्जी तो आज से मेरी चंदा ही मेरा रामू है। सलाम माँ, तबीयत कैसा है माँ? ठीक है दादा, अभी माँ ने दवा पिया। लेकिन तुम इस वक्त ड्यूटी छोड़कर इधर कैसा आया? जॉन, हम नहीं आया था, मैनेजर हमको जबरदस्ती भेजा, बोला माँ का घर खाली करा दो, मुझे नया सौब आने वाला है। खान, मैनेजर को बोलो माँ को आराम मिलेगा, कमरा छोड़ देगा। माँ, तुम हमारा घर चलो ना। मुझे तुम्हारा घर, हमारे घर क्यों नहीं? तुम्हारा माँ है और हमारा माँ नहीं? माँ, हमारे घर चल, खान भी तुम्हारा बेटा है, खान का घर तुम्हारे लिए हमेशा खोली है माँ। जीते रहो लाला। जॉन, लाला, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये मिल की सीटी गोली की तरह हमारे कलेजे में लगेगी, हमें पागल कर देंगे, पागल कर देंगे। आपको बनवारी है? 110 महंगा यही है ना? बनवारी है वो तो दिल्ली चले गए, साल भर हो गया उनकी बदली हो चुकी। बदली हो चुकी है? अरे राम, बहू, बहू, बनवारी की तो बदली हो गई दिल्ली, अब क्या करेंगे माँ, कहाँ जाएंगे? क्यों माई, पता तो ठीक है ना? पता तो ठीक है बाबा, लेकिन उन लोगों की बदली हो गई दिल्ली। लेकिन मेरी गाड़ी दिल्ली तो नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, किसी धर्मशाला में छोड़ दे बाबा। अच्छी बात है, चले। माँ, यहाँ तो हमें कोई जानने वाला भी नहीं, इसे तो अच्छा था हम बेंगलोर में ही रहते। तो ठीक कहती है बेटी, जब किस्मत फूट जाती है तो सब गलत होता है। इसको क्यों मारते हैं? तू क्यों बीच में आती है? माँ, मुझे बाबा के पास ले चल, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने बाबा के पास ले चल। तेरे बाबा भगवान के पास चले गए बेटी। तू झूठ बोलती है, बाबा कब मिल में गए, फिर भगवान के पास कैसे जाएंगी? डर मत कर, हम पहले से दुखी हैं। इसका क्या कसूर है बेटी? चुप, तू हर एक मुसीबत का मुकाबला कर रे, हिम्मत से सामना कर रे, भगवान के बंदे दुखों से न डर। तू हर एक मुसीबत का मुकाबला कर रे, हिम्मत से सामना कर रे, भगवान के बंदे दुखों से न डर। दुख तो दाता की देन है, जो भी मिले तू ले ले। सुख दुख तो दाता की देन है, जो भी मिले तू ले ले। हर अंधियारी रात के पीछे किरणों के मेले,
हर अंधियारी रात के पीछे किरणों के मेले, आज अगर है छाए बादल, आज अगर है छाए बादल, कल जाएंगे बिखर रे भगवान के बंदे, दुखों से न डर। नाहक आज लुटा मत पगले, तू अखियन के मोती, तू अखियन के मोती, एक न एक दिन इस दुनिया में सबकी कसौटी होती, सबकी कसौटी होती, तू क्यों चिंता करता प्राणी, तू क्यों चिंता करता प्राणी, प्रभु को सबकी फिकर रे भगवान के बंदे, दुखों से न डर। तू हर एक मुसीबत का मुकाबला कर रे, हिम्मत से सामना कर रे भगवान के बंदे, दुखों से न डर। नमस्ते माई, आप लोग धर्मशाला वाले तो मालूम नहीं होते, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? आप बेसहारा मालूम होते हैं, दुखी मालूम होते हैं, क्या बात है माई? क्या बताऊं बेटा, मेरी बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा चला गया, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, इसलिए इस धर्मशाला में पड़े। मुझे अफसोस है माँ, इस नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर यहाँ कहाँ पड़ी रहेंगे, आप मेरे घर चलिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, वहाँ चलने पर भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, और मुझसे भी जो हो सकेगा आपकी सेवा करूँगा, चलिए मेरे साथ। भगवान तेरा भला करे बेटा, बहू यहाँ रहने से तो अच्छा है, इस भले आदमी के घर चल के रहे। आओ बेटी, चलो मेरे घर। आओ बेटे, तुम भी चलो सरकारी घर, फिर वही धंधा चालू कर दिया तूने? नहीं होल्डर, अरे कितनी बार तुमको मना किया है, अब फिर कभी इधर आया तो याद रख, बंद कर दूंगा, चल जा यहाँ से। जा रहा हूँ। अरे भाला, क्यों भगा दिया उसे? वो भला आदमी हमें सहारा दे रहा था। माँ जी, वो आपको सहारा वहारा कुछ नहीं दे रहा था, आप उसको नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बदमाश आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाला था जहाँ कोई शरीफ आदमी अपनी माँ बहन को देख तक नहीं सकता। आप ऐसे कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा आपका। आइए आइए, आओ बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आइए आइए, चिंता नहीं कीजिए, आप आइए। भैया बस यूं समझो कि मकान मुझे चाहिए। अरे हवलदार, मकान तो का हम तो का जान दे कर तैयार है, पर ये मकान तो रहे काबिल नहीं है, देखा था हम तो छप्पर है छप्पर। घर छुपाने के लिए जगह तो है, किराया बता। किराया बस 10 रुपया थमाई दो, अब भी हम मालिक से रसीद बनवा के लाए दे, और ये तू चाबी ले लो। अच्छा जयराम जी, जयराम। माँ जी बस घर छुपाने के लिए जगह मिल गई है, आगे भगवान मालिक है, आइए आइए। हाँ बेटा, अच्छा। और माँ जी बिल्कुल सामने मैं रहता हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लिया कीजिए। भगवान तुम्हारा घर बनाए रखे। बस माँ जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आइए आइए। राम राम लाला। जयराम जी की, जयराम जी की। सुबह सुबह कैसे दर्शन दिए? लाला बात ये है, जब भी सुबह सुबह मैं तेरा मुखड़ा देखता हूँ, रात तक मुझे कोई दुखड़ा नहीं रहता। क्या बात है। लाला मैं इसलिए आया हूँ, वो सामने एक मकान खाली था ना, उसमें आकर एक बेचारी बेवा ठहरी है, नाम है उसका जानकी, अगर वो चीज भी मांगे वो तो उसको दे देना, पैसे का ख्याल नहीं रखना, मैं जिम्मेदार। अरे आप जिम्मेदार है तो फिर क्या दुकान भी तुम्हारी है? जानकी बेवा। जानकी जानकी जानकी, जरा से लिखना, जरा से नहीं, जानकी कर दो। मैं जानता हूँ कितने पढ़े लिखे हो तुम। क्या लाला मजाक करते हो। सुंदर बेटा ये
बापू मुझे भी बादाम चाहिए। चुप, मुझे भी चाहिए। चुप। लाला क्या बात है, अपने बच्चों को बादाम नहीं देते, सुंदर को बादाम दे दिया वो भी बेदाम। अरे तुम्हारा सुंदर मुझे अपने रूप मुन्ने के बराबर ही है ना। हाँ, मगर लेकिन ये लड़की कौन है? अरे ये जानकी की बेटी है, ये चंदा है। चंदा, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, लाला तुमने फिर चुंबक लगा रखा है आज। निकाल निकाल निकाल। कितनी बार बोला है कि ये धंधा मत किया कर। चला बेटा सुंदर चले, और देख उनका ध्यान रखना। हाँ। और सुंदर बेटा बादाम तोड़ना नहीं, कड़वा निकलेगा। ए छोकरी तेरा नाम क्या? चंदा। चौदा तेरा नाम क्या? मेरा नाम मेरे जैसा है सुंदर। तेरा नाम बंदर। अगर तू बंदर कहेगी तो मैं तेरा कान पकूंगा। बोल सुंदर। सुंदर बोल। सुंदर सुंदर शाबाश, मेरे तरफ से तेरे को एक बादाम इनाम। तू का तेरे को मिला? अरे मुझे मिला तो क्या हुआ, अपन दोनों आधी आधी बातें खाएंगे। ले तो किसका नहीं। अरे तो छोकरी ला मैं तोड़ रहा। अरे तो मैं बात तुझी आएंगा। अरे क्या समझ रखा है, सिपाही का बेटा हूँ, सिपाही का। रख तोड़ता जूठा है। अरे तू मुझे जूठा कर दे, अपन दोनों बराबर ही खेले। खा राम राम रामो रामो। क्या कह रही हो, क्या करूं बहू, राम का नाम लेने जाती हूँ, रामू ही मेरी जबान पर आती। गंगा प्रसाद कहाँ चले गए तुम? तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। गंगा प्रसाद। अभी लाती हूँ। किसी को पता नहीं कि तुमने उससे मार डाला। सब लोग यही समझते हैं कि एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन तुम भाग क्यों गए थे, छुप कहाँ गए थे? पानी। हाँ, पानी लो। तुम जिंदा हो तो फिर ट्रेन के नीचे कौन मर गया? किसकी थी वो लाश? कौन था वो? वो गंगा प्रसाद था, वो मुझे मारना चाहता था। न जाने मैं कैसे बच गया, वो ट्रेन के नीचे आ गया था। गंगा प्रसाद का पर न जाने कैसे ट्रेन की पटरी में फंस गया और गाड़ी उसके ऊपर से चली गई। ये एक्सीडेंट था शामा, ये एक्सीडेंट था, मैंने खून नहीं किया। अगर वो एक्सीडेंट था तो तुम भाग क्यों गए? तुमने उसका खून किया और पुलिस के डर से भाग गए। पुलिस के डर से नहीं शामा, शायद गंगा प्रसाद की मौत देखकर मैं कुछ पागल सा हो गया था। मेरी आंखों के सामने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरे कानों में अब तक गूंज रही उसकी वो भयानक चीख। ये कहानी तुमने बाद में बनाई है। कहानी हो, कहानी हो। कहानी नहीं है। मैं जब होश में आया तो घर गया, वहां मेरी माँ ने जान की और मेरी छोटी बच्ची चंदा जो मेरे बगैर कभी नहीं रह सकती। कहां गए लोग, कहां गए मेरे घर? जहन्नम में। तुमने मेरे गंगा प्रसाद को मार डाला, तुमने मेरा सुहाग मिटा दिया। मेरे गंगा प्रसाद, मेरा सुहाग? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो तुम दोनों ने मिलकर साजिश की थी मुझे मार। हाँ, हाँ, तुमने मेरे गंगा प्रसाद का हक छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Thank you.
इधर से किसी आदमी को भागता हुआ देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या बात? खून किया। खून? अरे बाप, इस तरफ तो नहीं आया, इधर से तो नहीं गया। ये गेट कितने बजे खुलता है? मालूम नहीं सर। किसका फोन किया है तुमने? मैंने जानबूझकर फोन नहीं किया, मेरे हाथ से खून हो गया। हर कातिल यही कहता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। मैं जाता हूं। लेकिन तुम जाओगे कहां? फांसी के तख्ते पर? अगर चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। आपके साथ? मुझे तुम्हारे ऐसे आदमियों की जरूरत है। ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे जुर्म का किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्या फैसला है तुम्हारा, मौत या जिंदगी? क्या करता है? नौकरी करूंगा। मीन में नौकरी करेगा? बस, मैं तो पुलिस की नौकरी करूंगा, मेरे बाबा जैसे। और क्या करेगा? और चोर को पकड़ूंगा और परेड करूंगा। आज चोर तेल को मारेगा। अरे दत्त, पुलिस चोरों को मारते हैं। देख, मैं परेड करता हूँ, तू बोल मेरे साथ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न, राइट टर्न, एक वो, एक वो, एक वो, एक राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। जब मैं वर्दी में होता हूँ ऐसी हरकत ना किया कर। पुलिस अफसर हो गए इसलिए करता है क्या? करता हूँ, करता कोई नहीं। अगर मेरे किसी अफसर ने देख लिया तो क्या हुआ? यही कहेंगे लड़के से लड़की होशियार है। चल गया। अच्छा सुनो, आज शाम को महालक्ष्मी के मेले में आओगे? आऊंगा ठीक 5 बजे, ड्यूटी से फारिग होते ही आ जाऊंगा। अच्छा, मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बापू, सब लोग तुम्हें पूजा करते, इस वक्त तुम पूजा कर रहे हो? इस वक्त ग्राहक नहीं होता, इसलिए इस वक्त मैं पूजा कर रहा हूँ। बेटा पठंडा, बाद में पूजा। जय चुंबक। बापू, तुम चांदी सोने की पूजा करते थे, हम लोहे की चालू कर दे। गधा कहीं का, ये लोहा नहीं, ये चुंबक राज है, चुंबक राज। चांदी सोने के खजाने की ये चाबी है, चाबी। अच्छा। माल ग्राहक को बेचना हो तो इधर लगाओ, और खरीदना हो तो इधर लगाओ। क्या फायदा? क्या फायदा, हर शेर के साथ पाव शेर का हेर फेर हो जाता है, समझा? समझा। क्या समझा? फेर फेर, पाव शेर। हेर फेर नहीं, हेर फेर। हेर फेर। हाँ, आप सुन, महाजनी विद्या का असली गुर। मेरे बात तो तुझे ही दुकान चलानी है बेटा। दिन कब आना बाबू? अभी बहुत टाइम है, पहले जो कहता हूँ वो सुन ले। अनाज में कंकर, घी में वनस्पति और मुंह में मीठा बोल। कहे गए पूरक बचन अनमोल के, मीठा बोल और कमती तो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेने देने के दो बाट, जितना चुंबक उतना था। बहुत अच्छी जो भाई, किसने लिखी? आधी मेरे बाप ने, आधी तेरे बाप ने। बापू, खाना तैयार है। आया बेटी। बेटा रूप, मैं जरा पेट पूजा कर लेता हूँ,
तू भगवान के पास दिया जला। असली ये तुम्हारा घी? नहीं, महादेवी घी। अब तू हो गया तैयार, अब तू मेरी गद्दी चराएगा भाई। मुन्नी आज तूने खाना जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा। आओ बलन, आओ आओ ना। मेरे दिल आओ बड़ा खाने बड़ा। बाप प्यारे मर गया। अभी से अभी तो तुझे शादी का दंगल मारना है। शादी? शादी नहीं होती, लड़की नहीं मिलती। अबे लड़की कैसे मिलेगी, पहले पहलवान बन जा और फिर देश चलवा। क्यों गुरु, तुम गुरु कोई लड़की मरती है क्या? सावधान से। अच्छा तो मुझे जलवा दिखा दो ना। अबे क्या बकता है, दोस्त की जोरू बहन बराबर होती है। मेरी बहन मुन्नी? हाँ। अबे खिसक बहन तेरी बहन आ रही है। अरे जंगली सूअर की तरह उलटता क्या बैठा है? हट, अरे हटना। हटता हूँ। हटता भी नहीं। मुफ्त का खुराक और दिन भर डंड फेरना, ये दुकान है कोई अखाड़ा नहीं। अरे घुड़ घुड़ के क्या देखते है, उधर देख उधर देख। हाँ देखता हूँ। चंदा ये जंगली सूअर। अबे ओ मेरा गुरु है गुरु, अब मैं पहलवान का पट्टा बन गया हूँ। पट्टा? तू पहलवान का पट्टा बन? ये उल्लू का मेरे को क्या करना है? मेरे को चारा नहीं, किचनी आधा से आटा एक से चार तोड़ दे जल्दी से। आटे दाल की बात छोड़ दो, कुछ प्यार की बातें करो ना। ये क्या गधा अपन है, हटा दे। गधा बन नहीं है, एक चुंबक है, चुंबक जो लोहे को खींच लेता है अपने पास, है ना? पर मैं तो लोहा नहीं हूँ। तेरा दिल लोहे का है इसलिए चुंबक पकड़ा है ना? अच्छा, इसीलिए मैं खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ। चंदा ये थप्पड़ घुसी करता है तार का, मारो। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया है ना गुरु? डबल प्यार हो गया प्यारे, डबल प्यार हो गया। अरे चंदा तो यहाँ पर करिए, चल अंदर को। हट हटता हूँ, चल ना। अरे मैं तो जल्दी में हूँ, शाम को मेले में जो जाना है। चल 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 मेरे पास, अपन जाते में इमली खाएंगे। एक दर्जन चाहिए, जरा सामान घर पे पहुँचा दो। उसे कहा कि दिया जलने से पहले घर आया था, लेकिन तू तो अपनी आदत नहीं छोड़ती। नाराज ना हो माँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन देर हो ही जाती है। अब तुम ऐसा करो माँ, मेरे घर आते ही दिया जलाए करो, फिर तुम्हारी भी बात रहेगी और मुझे। चुप रहे, बड़ी मुखट हो गई है। कहाँ गई थी इतनी देर? घूमने गई थी माँ। अकेले नहीं गई थी माँ, सुंदर भी साथ था। देख चंदा अब तू बड़ी हो गई है, सुंदर के साथ तेरा इस तरह घूमना फिरना अच्छा नहीं। क्यों क्यों अच्छा नहीं, मैं तो बचपन से उसी के साथ खेलती आई हूँ। बचपन की बात और थी, जवान लड़की माँ बाप के लिए बोझ होती है। बहू क्यों ऐसी बात करती है बच्चे से? बेटी घर जल्दी आ जाया कर, हम लोगों को फिक्र लगे रहती है। देख लो दादी। माँ तुम्हारा ही लाड़ प्याने से सर पे चढ़ा रखा है। आंचल ठीक रख अपना। आंचल आंचल आंचल, जब देखो आंचल, क्या रखा है इस आंचल में? ऐसा मत कह बेटी, इसी आंचल में स्त्री की लाज होती है। कैसी पुरानी बातें करती हुई दादी, जो लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं उनका आंचल कहाँ होता है? उनका आंचल न हो तो न सही, ये तो अपनी अपनी रीत है। आंखों में लज्जा और सर पे आंचल ही स्त्री की शोभा है, और फिर यही आंचल एक दिन किसी भगवान के दामन से बांधा जाता है, समझी? हाँ हाँ समझी। मेरा बाबा नहीं है ना, इसलिए तुम लोग मुझे डांटते हो। उधर सुंदर को देखो, उसका बाबा उससे कितना प्यार करता है, और यहाँ बस अब बातें मत बना,
चल खाना तैयार है। माँ जी, माँ, वो बनिया आया है पैसे मांगने के लिए, अब क्या करेंगे? तू ठहर जा, मैं उसे समझाती हूँ। आओ बेटा। सेठ जी, इस महीने में पैसे देने का वादा किया तो था, लेकिन आपकी बीमारी की वजह से 5 दिन काम पर नहीं जा सके। अगले महीने सब चुका दूंगा। अरे बनिया क्या सिर्फ उधारी वसूल करने के लिए ही आता है, और कुछ मांगने के लिए भी आ सकता है। सेठ जी, मगर माँ, हमारे पास है क्या जो मांगने आए हैं? ये बात नहीं है, आप भी दे सकती है, इसीलिए मांगने आया हूँ। क्या मांगने आए हैं सेठ जी? चंदा। अभी हमने चंदा की शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है सेठ जी। तुम गलत समझ रही हो माँ, मैं आज चंदा बेटी को मांगने नहीं आया, मैं तो आज गोकुलाष्टमी का चंदा मांगने आया हूँ। जब आप ही के पैसे नहीं दे सकते तो फिर चंदा कहाँ से देंगे? अगर आप रुपए पैसे का चंदा नहीं दे सकती, ना सही, लेकिन चंदा बेटी को तो दे सकती हो। फिर वही बात, कह दिया ना सेठ जी कि अभी हमने सोचा नहीं है। तुम गलत समझ रही हो माँ, चंदा बेटी अच्छी नाचती है, गाती है ना, जन्माष्टमी के मेले में उसका नाच गाना हो जाए, यही तुम्हारा चंदा समझो। हाँ माँ, चंदा लोगों के सामने नहीं नाचेगी। यहाँ लोगों के सामने थोड़ा ही नाचना है, भगवान के सामने नाचना है, ये तो धर्म का काम है, मेरी मुन्नी भी नाचेगी। हाँ कर दे बहू, धर्म का काम है। अच्छा सेठ, आपकी मुन्नी नाच रही है तो हमारी चंदा भी नाचेगी। Bye.
गवर्नर और माँ मिनिस्टर है, दोनों मिल में मजदूरी करती हैं, दो वक्त की दाल रोटी तो मिल ही जाती है, बस है। दादी को काम पर जाते हुए देखकर मुझे बहुत तरस आता, अब तो उन्हें दिखाई भी नहीं देता है ना। तुम ठीक कहती हो मौसी, मेरा बस चले तो दोनों को नौकरी न करने दो। कहूंगी दादी तुमने बहुत काम कर लिया, अब आराम करो, घर की दाल रोटी अब मैं कमाया करूंगी। अरे दाल रोटी तो क्या, तू चाहे तो घी शक्कर कमा सकती है। अब तो मजाक कर रही है ना। देख मेरी जैसी अनपढ़ लड़की को कौन नौकरी देगा, तू मुझे तेरा धंधा सिखा दे, फिर मैं अपनी माँ को घर चलाने में मदद किया करूँगी। अरे दर्जी काम करके पैसा क्या कमाएगी, नाच गाने का काम करेगी तो खूब पैसा मिलेगा। अगर तू चाहती है तो ऐसी एक नौकरी है मेरे पास। ना बाबा ना, नाच गाने का नाम भी लिया तो माँ मेरा गला घूम देगी, और फिर नाचने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। कौन कहता है, अरे जमाना बदल गया, आजकल अच्छे अच्छे घराने की लड़कियाँ नाटक और सिनेमा में काम करती हैं। ठीक है, लेकिन मैं किसी कीमत पर ऐसा काम नहीं करूँगी, और फिर मुझे जरूरत भी नहीं है। अच्छा मौसी जी, ए चंदा। अरे सुंदर, तुम ड्यूटी पर नहीं गए? तुमने जाने ही कर दिया। क्यों, मैंने क्या किया? वाह आज तो कमाल कर दिया तुमने, क्या समय बांध दिया था। वो क्या नाम दूं तुझे, हॉकी मैच में मिला था वैसे शील दूं, अच्छा कंधे पे उठा लूं, या उस प्राग वाली लड़की ने दिया हुआ वैसा कोई नाम दूं तुझे। चल हट,
अपनी ड्यूटी पर जा, नहीं तो राह चलती हुई लड़की को छेड़ने के जुर्म में रपट लिखवा देंगे थाने में जाकर। थाने चलना तो चलो मगर कोई फायदा नहीं, क्योंकि रपट लिखवाने से पहले मैं तेरा चलान करा दूंगा। क्यों, मैंने क्या किया? तूने थानेदार का दिल चोरी किया। ओ, थानेदार की यहाँ भी चोरी होती है? फिर मुझे गिरफ्तार कर लो। आज नहीं, आज बहुत देर हो चुकी है, कल एक दिन की मोहलत देता हूँ तुझे, समझे? अभी तक जाग रहा है? नहीं, अभी तड़प रहा हूँ। एक बात कहूँ? क्या? बहुत सी अफीम खा ले, हमेशा के लिए नींद आ जाए। अच्छा खाऊंगा, लेकिन तो पहले हम किस बात की हाँ करूँ? तुम मुझे शादी करेगी? मैं तुझे गहने दूंगा, मोबाइल दूंगा। शादी तो कर सकती हूँ, मगर एक बात की डर है। सिंधी के बड़ा मत कर, मैं उसे देख लूंगा। ये बात नहीं, मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो लोग मुझे लंगूर की बीवी कहेंगे। बहुत अच्छा, मैं लंगूर तो मेरी बीवी। एक दिन की कमी है, वो भी लगा ले। वो भी लगाऊंगा, लेकिन तुम शादी करो। अच्छा, मैं शादी करूंगी, मेरी एक शर्त है। बोलो, सब पूरी करूंगा। अच्छा, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी ले ले। अच्छा, और डूब मर। चुल्लू भर पानी ले, डूब मर। चुल्लू भर पानी ले, डूब मर। बाबू बाबू! अरे क्या है बेटा, क्यों रोता है? पानी पानी क्या है मुझे, पानी। अरे प्यास लगी है तो रोता क्यों है? ये ले पानी, पीने के लिए भी इसमें डालो। क्यों? मुझे चूल्हे पर पानी चाहिए। इसलिए मुझे डूब मरना है। बेटा क्यों मरता है, तुझे क्या कमी है? चंदा ने कहा मुझे कि चूल्हे पर पानी लो और डूब मर। चंदा ने कहा था? उन कंगालों की ये हिम्मत, उसने कहा और तूने मान लिया? हाँ बाबू। भगवान जाने तुझे कब अक्कल आने वाली है। तुम झूठ बोलते हो, तुमने तो कहा था कि बड़ा होने के बाद अक्कल आएगी। अब मैं बड़ा हूँ, लेकिन अक्कल नहीं। जरूर तूने उस लड़की को छेड़ा होगा। नहीं नहीं, मैंने उसको छेड़ा नहीं, मैंने उसको शादी करने के लिए कहा तो उसने मुझे लंगूर कहा, डूब मरने के लिए कहा। बाबू मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरना है, मुझे चूल्हे पर पानी चाहिए। बेटा तू चंदा से शादी करना चाहता है ना? हाँ, लेकिन सुंदर को चाहती है। मरने दे सुंदर को, सुंदर की शादी और किसी से होगी और चंदा की शादी तेरे साथ होगी। देख तेरे बाप की महाजन इंस्पेक्टर। शुक्र करो बाबू ने तुम्हें कमीशन नहीं बना दिया। बाबू भाव भी बढ़ाता है और बाद भी। जरा मतलब की बात करने दे। बाबू तुम कभी बिना मतलब के बात करते हो? अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मिल गए, धर्मदास जी से मैं बाद में बात करूंगा। आखिर बात क्या है चाचा जी? बात ऐसी है जो जिंदगी में एक ही बार होती है। इसी बात के लिए तो बड़े बड़े चलकर आए मेरे पास, मगर अपने को रिश्ता नहीं जचा। और जचता भी कैसा, कोई बराबर का साहूकार या बड़ा अफसर हो। यानी आप चाहते क्या है चाचा जी? जो मैं भी चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी भी चाहते हैं और तुम भी चाहते हो। मैं कुछ समझा नहीं चाहता जी। मैं समझा दूँ? हाँ जी। बाबू मुझे तुम्हारा साला बनाना चाहते हैं। मेरा साला बनाना चाहते? हाँ। जी, लड़की तो तुमने देखी है, बचपन में एक साथ खेले हो, अब जीवन भर का साथ दे दो। मैं शादी का शगन भी लेके आया हूँ। अच्छा तो मैं चला। शादी की बात करते ही शर्माता है बापू, मैं कभी शर्माऊंगा। चल बेटे चल, चल। पुलिस का फर्ज है कि वो हर किस्म के चोरों से खबरदार रहे। बात चोर शरीफों के भेष में भी तुम्हारे सामने आएंगे। बात चोर शरीफों के भेष में भी तुम्हारे सामने आएंगे। मैं आ सकता हूँ? ओ लाला, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी भी तुम्हें याद कर रहा था। देख लिखा है कि बात चोर शरीफों के भेष में भी तुम्हारे पास आएंगे। इसीलिए तो मैं आ गया। बैठो बैठो बैठो। आज क्या बात है लक्ष्मीदास, धर्मदास पे कैसे कृपा हो गई? अरे हवालदार, लक्ष्मी और धर्म का बहुत पुराना संबंध है। मगर प्यारे हमारी डायरी में तो उल्टा लिखा है, यहाँ लिखा है कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ धर्म नहीं और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी नहीं। जवानी चली गई लेकिन मस्करी की आदत नहीं गई। अरे लाला, आदत कोई भी हो जरा मुश्किल से जाती है ना। अब तुम अपनी आदत को देखो, जब भी सौदा तोलते हो तराजू के नीचे चुंबक रख देते हो।
चल मतलब की बात कर। हाँ मतलब की बात ये है कि मेरे ख्याल से हम लोग अभी बुढ़े हो गए। हाँ बुढ़ा तेरा बाप होगा। कोई बात नहीं, अपने सर का बोझ उतर जाए उतना अच्छा। बिल्कुल ठीक है बापू, पहले मेरे सर का बोझ उतारो। अरे उतारने का क्या है, रख दे हवालदार के चरणों में। अरे बाप रे, पूरे गधे का बोझ है। गधा कहीं का, चुप बैठ। हाँ बाबू, लोगों के सामने मुझे गधा नहीं कहना, लोग तुम्हें गधे का बाप कहेंगे, है ना दादा? ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। देखो लक्ष्मीलाल, रूप कुमार को गधा मत कहा करो भाई, कहीं असली गधों ने सुन लिया तो वो भी शर्मा जाएंगे। ये क्या गोल माल है? ये गोल नहीं है, सिर्फ माल है। मगर मामला क्या है? ये बताओ कि तुम्हें तनख्वाह क्या है? मेरी तनख्वाह से तुम्हें क्या मतलब भाई? मतलब है बापू की हर बात में मतलब होता है दादा, बता दो तनख्वाह। 100 रुपया महीना। 100 रुपये? तो ये तुम्हारी 5 साल की तनख्वाह है। लो गिन लो अपने हाथ से। लाला ये सब किस लिए? सुंदर के लिए। रिश्वत? नहीं रिश्ता, सुंदर और मुन्नी का रिश्ता। सगाई पे इतना दे रहा हूं, सोच ले शादी पे कितना दूंगा। कितना देगा? कम से कम 10 साल की तनख्वाह और ऊपर से ये कहने। हाँ, लाला तुम जिंदगी भर झूठ बोलते आए। तो झूठ नहीं बोल रहे। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। बुलाओ हाथ, बुलाओ पंडित को और निकालो शादी का मुहूर्त। हाँ लाला मैं भी यही चाहता था, और सुंदर भी शादी के लिए तैयार है, बस इधर मुहूर्त और उधर शादी। तो रचाओ शादी का मंडप। हाँ रचाओ, मगर अपने घर नहीं, जानकी बहन के घर। जानकी बहन के घर? तो क्या शादी उस चंदा से? लाला मेरे सुंदर की शादी चंदा बिटिया से ही होगी। हवालदार कहीं सर तो नहीं फिर गया तुम्हारा? लाला मेरा नहीं सर तेरा फिर गया है, जो आटे दाल का सौदा करते करते मेरे बेटे का सौदा करने आया है। मुझे खरीदना चाहता है तू? उठा अपनी ठगी की दौलत और निकल जा मेरे मकान से। धर्मदास? धर्मदास ने इज्जत की रोटी खाई है लाला, तेरे जैसे बेईमान से रिश्ता जोड़कर मैं अपनी इज्जत को पट्टा नहीं लगाना चाहता। सोचो, होश में आओ धर्मदास। क्या तुम्हारा अफसर बेटा फेरा बांधकर उस झोपड़ी में जाएगा? तुम्हारी गर्दन नीचे नहीं झुकेगी? नहीं लाला मेरी गर्दन ऊंची होगी, जिस झोपड़ी में नेकी और शराफत का। महाजन हूँ, लेकिन महाजन की असली विद्या तुम्हारे पास है। तू करेगा इन गरीबों का उद्धार, बेटा बेटी से ब्याहेगा और तू माँ को गले लगाएगा। अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो याद रखो खून पी जाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। ये तुम्हारी थप्पड़ मैंने हिसाब में जमा कर ली। एक और कर ले। कोई बात नहीं, इसका हिसाब नहीं चुकाया तो नाम का महाजन नहीं। कान खोल कर सुन ले हवालदार, अब चंदा की डोरी मेरे घर पे आएगी। दौलत क्या नहीं कर सकती? अबे जा जा, दौलत क्या नहीं कर सकती का बच्चा, मैंने तेरे जैसे कई चांदी के कुत्ते देखे। बाबू थप्पड़ कितनी जोर से लगा? कितनी जोर से? अरे अरे उतर क्यों रही है? और तोड़ ना, चटनी के लिए चाहिए। लालची कहीं की महाजन की बेटी हो ना, अगर माली आ गया तो अपन दोनों की चटनी बना देगा। ये ले और तोड़ ना। कौन चुरावत है हमारी मिलिया? चंदा भाग, माली आ रहा है। तोरे मजा चकाए। नहीं चुराई मगर हमार दिल चुरात रही। सुंदर मैं समझी वो कमक माली आ गया। अरे तू कहाँ चली गई थी? सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। चंदा मुझे तुझसे कुछ बातें करनी। चाहे जितनी बातें कर लो लेकिन मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ दो ना, अब बोलो। हाँ बोल। बोलता क्यों नहीं? देख चंदा बात ये है कि बापू है ना मेरे, बापू। अरे बापू बापू क्या करता है? वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तुम कर डालना शादी, मगर देख देह जरा दबा के ली ना। तू अफसर है, हॉकी भी अच्छा खेलता है और दिखने में भी बुरा नहीं है। मेरा ख्याल है तेरे देह इसका भाव कम से कम 10,000
और कुछ नए पैसे होना चाहिए। दहेज चाहे जितना मिल सकता है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। क्योंकि तुझे क्यों? मैं दहेज को रिश्वत समझता हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्यों? आजकल के लड़के दहेज से ही शादी करते हैं। मगर चंदा, मैं दहेज से नहीं, प्रेम से शादी करना चाहता हूँ। अरे बाप रे! एक लड़की से प्रेम करता हूँ, वो जंगली है, गरीब है, मुंह फट है, फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कर रही है? ये सब मुझे क्यों बता रहा है? जाना उस जंगली लड़के के पास और बता दे अपने दिल का हाल। उसी को तो बता रहा हूँ, मगर वो है कि जानबूझकर अनजान बनना चाहती है। बात थानेदार साहब, झट से पैंतरा बदला। हंसी दे लगी की बातें करते करते गले पड़ गए। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं चंदा, यही हाथ मैं हमेशा के लिए पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन एक गरीब लड़की का हाथ पकड़ना क्या जिंदगी भर निभा सकोगे? हाँ चंदा, मगर तुम्हें साथ देना होगा। कहो हाँ या ना। तो सुनो, पहले ना। तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने तो सिर्फ पहले ना कहा था, बाद में? बाद में हाँ ना। तो चल, दादी माँ से तू बात कर ले। थानेदारी तो सीख ली, लेकिन दुनियादारी नहीं। लड़की भी कभी अपनी शादी की बातें करती है। अच्छा तो मैं दादी माँ से बात कर लेता हूँ, वो ही हमारी मदद कर सकती है। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कौन है बेटा? मैं हूँ धर्मदास माँ जी। अरे अंदर क्यों नहीं बैठे, यहाँ क्यों बैठे हो? माँ ताला पड़ा है दरवाजे पर, और ताला तोड़कर अंदर जाना चोरों का काम है, पुलिस वालों का नहीं है। अरे राम राम, खोल बेटी खोल, जल्दी ताला खोल। चलो मैं। आ धर्मदास साहब। चलो मैं, चलो बैठ बेटा। अब दिन किस बात की है, कर दो सगाई जल्दी। अरे तेरी शादी तय हो चुकी है। शादी किसके साथ? तू सगाई को कह रही है? मैं तो आज शादी कर दूं अगर लड़की वाले हाँ करें तो। तो क्या लड़की वालों से अभी तक बात नहीं की? वही बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि लड़की वाले क्या जवाब देंगे। अरे कौन से लड़के वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे? देख माँ, तुमने फिर ये रिश्ता मंजूर कर लिया है? धर्मदास। हाँ माँ, मैं चंदा बेटी को तुमसे मांगने आया हूँ। धर्मदास। अरे माँ तू रोने क्यों लग गई, क्या मेरी बात अच्छी नहीं लगी? अंधा मांगता है एक आंख, और भगवान दो दो दे दे, फिर उसे और क्या चाहिए? लड़का, और वो भी सुंदर जैसा। बड़ी भगवान है मेरी चंदा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि झोपड़ी में रहने वाली हमारी चंदा महलों की रानी बनेगी। ऐसा ना कहो बहन, ये झोपड़ी मेरे लिए मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है, जहाँ जीती जागती देवियाँ रहती हैं। आज तक मैं चंदा को धर्म की बेटी समझता आया हूँ, और अब मैं उसे घर की लक्ष्मी बनाने आया हूँ। माँ तुमने मुझे बहुत बड़ा प्रसाद दिया है। कहाँ भाग रही बता तो। मन मन में खुश हो रही, बोल तो क्या हुआ? मेरी भी शादी तय हो गई। हाँ मगर किसके साथ? जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए, चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए, चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए। आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। ले चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, ले चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियाँ आज एक धार में किस लिए,
जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए पूरे ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवा निखार है आज तो सिंगार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए तेरा नाम ले जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले एक नई दुनिया खड़ी अपने इंतजार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में किस लिए आप तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए क्या बात है माँ तुम बोलती क्यों नहीं माँ माँ तुम रो रहे हो चंदा क्या हुआ दादी दादी तुम रो रहे हो क्यों दादी क्या आज मेरी नौकरी भी चली गई अब क्या होगा अब क्या हो मिल वालों को मेरी कमजोर नजर तो दिखाई दी लेकिन हमारी गरीबी नहीं दिखाई दी सोचा पेट काट कर चार पैसे जमा हो जाएंगे तो चंदा की शादी अच्छी तरह कर देंगे तो क्या हुआ माँ उन्हें हमसे दहेज थोड़ी मांगा है ना सही लेकिन लड़की वालों का भी तो कुछ धर्म होता है रीत तो पूरी करनी पड़ती और आज मेरी नौकरी भी चली गई बहू अकेली क्या करेगी इसमें घबराने की क्या बात है मैं तुम्हारी जगह नौकरी करूंगी अरे चंदा इधर कैसे चमकी क्या बात है अंदर आओ काम से आई हाँ बैठो क्या बात है तुम्हारा काम होने दो फिर बताती हूँ लो बहन तुम्हारा भी अच्छा कहो चंदा क्या बात है तुमने तो उस दिन कहा था कि तुझे नौकरी दिला दूंगी हाँ मगर तुमने तो कहा था मैं किसी कीमत पर नौकरी नहीं करूंगी हाँ मौसी लेकिन अब मैं ये नौकरी हर कीमत पर करने के लिए तैयार हूँ वजह मजबूरी दादी की आंखें जाती रही अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो दादी हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी ऑपरेशन के लिए बहुत रुपयों की जरूरत है और माँ भी बीमार है तुम मुझे नौकरी दिला सकती हो ना हाँ हाँ क्यों नहीं
जरूर दिला सकती हूँ। रात को मेरे पास चली आना, मैं ले चलूंगी। रात को आना पड़ेगा? हाँ हाँ रात को, दिन को थोड़ी नाच गाना होता है। लेकिन लेकिन मेरे घर वाले मुझे रात को कैसे बाहर जाने देंगे? वो तू जान और तेरे घर वाले, मगर एक बात सोच ले, ऑपरेशन के लिए रुपया नहीं कमाया तो दादी हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो मौसी, दादी अंधी हो जाएगी। Thank you.
अच्छा नाचती हो। इतने दिन कहाँ थे? आपको मेरा काम अच्छा लगा? काम से ज्यादा तुम पसंद आई। इसका मतलब है मुझे कुछ दिनों के लिए यह नौकरी मिल जाएगी ना? कुछ दिनों के लिए क्यों, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए। ये लो आज के तुम्हारे पैसे। शुक्रिया। शायद आपने मुझे ज्यादा पैसे दिए हैं। बिलावजह नहीं, हर चीज की कीमत होती है। क्या मतलब? बड़ी भोली बनती हो, ये भोलापन भी अच्छा ही लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आया? जी। शायद पहली मतलब बाहर निकली हो। जी, किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ आई हूँ। अब भी किसी को नहीं मालूम होगा। आओ मेरे साथ। छोड़ दो। चला। छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? यहाँ आई हुई लड़की सुबह से पहले वापस नहीं जाती। सर नहीं आती तो छोड़ दो। मैं शोर मचाऊंगी, चिल्लाऊंगी, चमेली जाती, चमेली मौती। बचाओ, कोई बचाओ। तुम्हें यहाँ भगवान भी नहीं बचा सकते। छोड़ दो। मोहन बाबू आपने जो लिखा था, सॉरी। बचाओ, मुझे बचाइए। ये आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, बर्बाद हो जाऊंगी। आने से पहले ये सोचना चाहिए था, अब अफसोस करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नाचने के लिए आई थी। मेरी दादी का ऑपरेशन कराने मुझे पैसों की जरूरत है। हम गरीब हैं लेकिन इज्जत वाले। भगवान के लिए मुझे आदमी से बचाइए। तुम जा सकते हो? नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके रूप में मेरे घर ले चलिए। घर ले। डरो नहीं लड़की, डरो नहीं। इसे जाने दो मोहन बाबू, जाने दो। तुम कौन होते हो इसके? कोई नहीं, लेकिन तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। ओ, ये तुम कह रहे? मैं किसी की बात नहीं सुनता। चलो की मोहन बाबू। हेलो मां। चंदा नहीं आए ना अभी? नहीं। बहू, आज का दिन मुझे पागल बना देता है। आज से 14 साल पहले इसी दिन हम लूट गए थे। बहू खीर बनाएंगे ना? चली गई। आज उसकी रूह जरूर यहाँ आएगी। अरे दादी, दादी मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी दादी बीमार है, उनका ऑपरेशन होने वाला। नहीं नहीं, वैसे वो ठीक है, उनकी आंखों का ऑपरेशन कराना है, उनको दिखाई नहीं देता। अच्छा तो जाओ। पर आप घर नहीं चलेंगे? मेरे घर वालों को आपसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। नहीं, मैं किसी घर नहीं जाता, क्योंकि खैर तुम्हें एक बात याद रखना, तुम उस जगह कभी मत जाना। वहाँ कोई अच्छा नहीं, सब बुरे लोग हैं, समझे? पर आप वहाँ क्यों जाते हैं? आप तो अच्छे हैं। Hey!
हमेशा वही गाना गाती है। नाम क्या है? चंदा। चंदा क्यों? मैं चल नहीं नहीं भगवान की दया, नहीं तो बिन बाप के बेटी को
इतना अच्छा घर कहां से? हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा और क्या? बेटा आज दिवाली का दिन है, आए हो तो मुंह मीठा करके जाओ। बहू ये बेचारी अकेले में आंसू बहा रही होगी। बहू माथे गिर गई। कौन कौन हो तुम बेटा? कौन हो? कौन हो? बहू बहू कौन हो बेटा तुम? बहू 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 कौन? बहू जाना है जानते। सुबह आने से पहले मुझे यहां से चला जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? मैं तुम्हें पल भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। नहीं जानती, मैं यहां नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? इसलिए तो ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ, हम सब तुम्हारे हैं। मैं जानता हूँ जानती, ये घर मेरा है, तुम सब मेरे हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं कभी तुम्हें अपना नहीं। नहीं जानती, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिंदगी के 14 साल में सिर्फ इसी भरोसे जिंदा था कि एक न एक दिन मेरी माँ, चंदा और तुम मुझे मिल जाओगी। बस तुम सब मुझे मिल गई हो, लेकिन लेकिन मैं किसी को भी अपना नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि क्योंकि नहीं, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा प्यार, चंदा की हंसी और माँ के आंसू टुकरा कर चले जाओगे। बोलो। मैं क्या करूं जानकी, मैं मजबूर हूं। मैंने खून किया है। खून? हाँ जानकी, 14 साल पहले बेंगलोर में एक लड़की श्यामा का मेरे हाथ से खून हो गया। तब से मैं भाग भाग कर रहा हूँ। पुलिस मेरे पीछे, फांसी का फंदा मेरे सर पर है। अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो तुम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, चंदा की शादी टूट जाएगी। अच्छा, वो चंदा को मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। उसे कभी नहीं पता चलने देना कि उसका बाप खूनी है। जानकी, मेरे चले जाने के बाद तुम मेरे माँ से कह देना कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। क्या हो गया? रो मत जानकी, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम्हें किसी बात की फिक्र न होने दूंगा। चंदा की शादी और माँ के ऑपरेशन का खर्च मैं खुद करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगा जानकी। सिर्फ किसी को शक न होने पाए कि तुम्हारा पति जिंदा है। मैंने सब सुन लिया है, मैंने सब सुन लिया है। 14 साल से मुझे हुए दीवाने के लिए 1 साल तो जलने से मैं सिर्फ पाँव पड़ती हूँ। हमारे जिंदगी में तेरा तेरा करके ना जाओगे चले जाओ।
संगत के पट ना खोले रे, ज्यादा ना बोले ना बोले ना बोले रे। अभी तक वो नहीं आया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आया। कहाँ तो था उसने कि जल्दी आ जाऊंगा शाम को। किसकी बात हो रही है दादी? तेरे नाना की। हाँ मैं अभी आ गई। सौ साल में है आपकी, अभी अभी हमने आपको याद किया था। धोखेबाज आदमी को भगवान हमेशा मत देता है। क्या मतलब, मैंने क्या धोखा दिया? नहीं तो क्या, कल मुझे पहचाना तक नहीं, दादी ने मुझे सब बता दिया। क्या बता दिया? यही कि आप मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दादी आपको अपना बेटा समझती है और बचपन में मैं आपके साथ बहुत खेला करती थी। तुम बचपन में मेरे साथ खेला करती थी। क्या है? मैं तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाई लाया हूँ। तुम जानते हो छुटपन में क्या कहा करती? पटाखे पटाखे। चलो इन्हें रहने दीजिए, मैं पटाखे नहीं जलाती क्योंकि आप तो जानते हैं कि दिवाली के रोज मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, दिवाली के रोज ही वो। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आज तुम पटाखे जलाओगी तो तुम्हारे बाबा बहुत ही खुश होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता बेटा, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम अपनी दादी से पूछो, अपनी माँ से पूछो। चला बेटा चला, आज तो खूब पटाखे जला, आज तेरा बाबा बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। मैंने क्या कहा था चंदा? याद है माँ ये छुटपन मदन बाबा से क्या कहा करती थी? बाबा जूता, बाबा जूता, मेरे लिए पटाखे नहीं लाओ, पटाखे लो और चलो उस तरफ। माँ ये फुलझड़ियाँ फेंक और ये मिठाई ले, फेंक दे ये ले। माँ 14 बरस से मैं देख रहा हूँ कि तुमने दिवाली के रोज कभी दिया तक नहीं जलाया और आज आतिशबाजियाँ छूट रही है। माँ दिवाली किस खुशी में मनाई जा रही है? क्या बताऊँ बेटा, 14 साल के वनवास के बाद आज राम घर आया है, मेरा बेटा घर आया है। माँ धर्म का बेटा, चंदा का चाचा आओ बेटा इनसे मिलो, ये है धर्मदास। ये ना होते तो न मालूम हमारा क्या हाल। ए देख मां तू मेरी तारीफें फिर शुरू कर दी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस चुप रहो, आओ गले मिल जाओ भाई। तुम्हारा नाम क्या है? नारायण। ओ अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे ये फिक्र थी कि चंदा का कन्यादान कौन करेगा, घर में तो सिर्फ औरतें हैं। अरे सुंदर बेटा इधर। ये चंदा के चाचा है, ये पहुंचो। कोई बात नहीं बेटा, आज दिवाली का दिन है, सब लोग यही खाना खाओ। माँ खा कर जाएंगे। नहीं माँ मुझे जल्दी जाना है। जल्दी क्या है भाई, काम तो होती रहते हैं। देखिए पुलिस वाले हमेशा जल्दी में रहते हैं, अगर देर करते तो मुजरिम भाग जाता है। पर किसी मुजरिम के भाग जाने का डर है क्या धर्मराज जी? हाँ भाई ऐसी कौन सी जल्दी है, खाना खा कर चले जाना। नहीं बापू बेंगलोर से एक मर्डर केस आया, उसकी छानबीन करनी है। और सुना मुजरिम इसी शहर में। चंदा कहाँ गई? चंदा तुम ड्यूटी पर जाओ। अच्छा बापू नमस्ते। दूर हट जा जरा। Thank you.
जाएंगी, दादी की आंखें ठीक हो जाएंगी, है ना दादी? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा 2 महीने के बाद ऑपरेशन होगा, अब फिर उसके बाद चंदा की शादी होगी। तो माँ माँ मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन जल्दी आना। हाँ माँ। दिन कहां गए थे तुम? अच्छी तरह जानता मैं कहां था, इसीलिए तो बुलाने के लिए भेजा था। आइंदा बगैर खबर किए हुए कहीं मत जाना, जाओ अपना काम करो। देखो मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने के लिए आया हूं कि अब मैं ये काम नहीं करना चाहता, मेरा हिसाब चुका दो तो अच्छा है। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी, अब मुझे सब मिल गए हैं, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, सब मुझे वापस मिल गए। अच्छा, यही तुम्हारे घर वाले हैं? हाँ मोहन बाबू, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी है कि अब मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मेरी बच्ची की शादी तय हो चुकी है, इसलिए अब मैं जिंदगी के बाकी दिन शरीफ बनकर गुजारना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी शराफत का बैंगलोर का सर्टिफिकेट जो तुम्हारे पास है उसका क्या होगा? लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि मैं जिंदा हूँ, सब ये समझते हैं कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मोहन बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश! अगर होटल के बाहर एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और गले में फांसी होगी। मैं दोस्तों का दोस्त हूं, लेकिन जो मुझे धोखा दे उसका दुश्मन भी बन सकता हूं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि जब तुम्हारा जी चाहे यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हारे एहसानों का बदला चुका दिया मोहन बाबू, मैं अभी हरगिज नहीं रहूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, बस ये समझ लीजिए। तो तुम जा सकते हो। मेरा हिसाब? हिसाब? हेलो बोली, सुनिए, मैं जानता हूं तुम्हारी लड़की की शादी एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो रही है जो उसी मोहल्ले में रहता है। अगर तुम वहां पकड़े गए तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। आज से मैं देखूंगा तुम वहां कैसे जाते हो। हाँ हाँ जानकी भाई, हाँ मुझे आधा सिर चीनी चाहिए। चीनी चाहिए तो आओ ना, अंदर आओ, बैठो बैठो अंदर आओ। मेहरबानी सेठ जी, मुझे जल्दी दे दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, कितने दिनों के बाद तो आई हो। चंदा के शादी का मुहूर्त कब का निकला? चाचा आने के बाद ही मुहूर्त निकालोगी ना? अच्छा हुआ तुम अनाथों की देखभाल करने वाला और कोई मिल ही गया। लेकिन ये चाचा 2 महीने से गायब कहाँ हो गया? तुमने हम लोगों से मिलाया क्यों नहीं? आखिर वो चंदा का चाचा ही है ना? अरे जानकी भाई, क्या हुआ? जानकी भाई, जानकी भाई, जानकी भाई, जानकी भाई, चाचा क्या हुआ? राम सिंह इधर आओ, ये क्या हो रहा है? उसको उठा, बाहर बाहर निकल, निकल बाबू, उठा। क्या हुआ बाबू? चाचा डॉक्टर बाहर बाहर निकल। डॉक्टर साहब अभी तक कैसे नहीं आए? क्या हुआ लक्ष्मीदास जी? क्या बात है? वो जानकी है ना, जानकी यहाँ सौदा लेने आई थी। बस बैठे बैठे बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? अरे अरे कैसे बेहोश हो गई लक्ष्मीदास? कैसे बेहोश हो गई मैं क्या बताऊँ, मैं डॉक्टर से बुलाई हूँ। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। क्या बात है जी? वो जानकी बेहोश हो गई है। अरे अभी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। हाँ अभी अभी तो भली चंगी थी, मालूम नहीं क्या हो गया। भाइयों समझ में नहीं आता भाइयों, क्या बात है डॉक्टर साहब? मैंने दवा दी है, घबराने की कोई बात नहीं, वो होश नहीं आ रही है। और ये बेहोशी खुशी का पैगाम दे रही है। खुशी का पैगाम? हाँ क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बीमारी कभी खुशी का पैगाम देती? कभी कभी तो वो मैंने है कि भी खुशी की बात। क्या कहा डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी में? डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसे बच्चा होने वाला है। हाँ और ये कैसे हो सकता है? क्यों इसी उम्र में बच्चा हो सकता है? देखता
लीजिए आपके फ्रिज। आपसे क्यों, मैं उनसे लूंगा। नहीं, आप मेरे यहाँ आए, मेरे से ले लीजिए। अच्छा, नमस्ते चाचा। क्या बात, बात यह है कि जानकी का पाप बाहर आ गया है, वो विधवा माँ बनने वाली है। हाय राम, कलयुग आ गया है कलयुग, ऐसी बदनामी से तो दूर मरना अच्छा है। मैं भी तो यही कहता हूँ, अब ये बात घर घर में फैला दे, धर्म का काम है, भगवान तेरा भला करेगा। मगर बदनामी करने से क्या फायदा? फायदा, अरे सुंदर और चंदा की शादी टूट जाएगी, यही अपना फायदा। अच्छा? नमस्ते। अरे आओ आओ इंस्पेक्टर साहब, जो इधर तो आइए। ओहो चाचा, नमस्ते। कहिए क्या हाल है? आओ आओ बेटा अंदर तो आओ। आपसे बात क्या है? हाँ, महाजन बिना बात के किसी को कष्ट नहीं देता, एक धर्म अधर्म की समस्या आ पड़ी। तुम्हारे लिए धर्म की क्या समस्या हो सकती है चाचा, जो कुछ होगी अधर्म की बात होगी। एकदम अधर्म की बात। अरे ये बताओ कि एक औरत जिसे विधवा हुए बरसों बीत गए हो, वो अगर गर्भवती हो जाए तो दुनिया उसे क्या कहेगी? बस ये पूछने के लिए बुलवाया था, सीधी सी बात है, कलंकिनी। क्यों चाचा, कहीं फंस गए हो क्या? राम 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 राम। भला ये बताओ कि उस कलंकिनी के घर में अगर कोई रिश्ता करे तो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मगर वहाँ रिश्ता करेगा कौन? यही तो गड़बड़ है बेटा, एक भले आदमी ने अपने लड़के का रिश्ता उस कलंकिनी के लड़के के साथ कर दिया है। तो मेरा उससे क्या संबंध? क्या संबंध? जानकी के घर में तुम्हारा कोई संबंध नहीं। लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास तो धर्म का दास है बेटा, लेकिन जानकी अब कुछ दिनों में माँ बनने वाली है। एक शरीफ औरत पे इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? भगवान करे और ये झूठा ही हो। डॉक्टर साहब आइए आइए, जरा इधर आइए। नमस्ते सेठ साहब। क्या बात, आपने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ? एक गरीब और शरीफ विधवा को आपने गर्भवती साबित कर दिया। आपका मतलब? मतलब जानकी बाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? माफ कीजिए सेठ साहब, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरी बात गलत नहीं हो सकती। मैंने कहा रुक जा, अजीब आदमी है। मिस्टर अपनी गाड़ी के ब्रेक्स ठीक करा लो, वरना टक्कर हो जाएगी किसी लड़की से। मेरा रास्ता छोड़ दो। रास्ता क्यों छोड़ू? अगर कोई आदमी गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे रोक लेना चाहिए, और फिर अब तुम्हारा और मेरा रास्ता तो एक ही है। ए बोलते क्यों नहीं, दो दिन से देख रही हूँ मुँह फेर के चले जाते हो। अगर बड़े साहब ने डांट बताई तो मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? घर जाकर अपनी माँ से पूछ। माँ से? माँ से क्यों पूछो, उस बेचारे ने तो हमारी शादी तय की है, अब जो कुछ पूछना मैं तुमसे पूछूंगी। ये शादी अब नहीं होगी, जानवर खरीदते हैं और उसका खानदान देखते हैं, और शादी तो जिंदगी का साथ, ऐसे खानदान से रिश्ता कौन जोड़े? ये तुम क्या कह रहे हो, किसने कहा हमारा खानदान अच्छा नहीं? ये भी अपनी माँ से जाकर पूछ, जो बेवा होते हुए फिर उम्र में माँ बनने वाली है। सुंदर, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था जिसे मैं देवी समझता था वो इस उम्र में खाक उड़ाएगी। बस बस बहुत हो चुका, बंद करो अपनी जबान। किस किस की जबान बंद करोगे तुम? तुम्हारी माँ की करतूत अब सबको पता चल गई है। लक्ष्मीदास की बात पर मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब डॉक्टर ने दावे से वही बात दोहराई तो मुझे यकीन करना ही पड़ा, और मेरा सर शर्म से झूम। ये झूठ है, सरासर झूठ है। दुनिया हमेशा गरीब के घर को आग लगाकर तमाशा देखती है। मेरी माँ पवित्र, भगवान से भी ज्यादा पवित्र है। दुनिया हमारे बारे में चाहे जो कहे, लेकिन तुम्हें तो यकीन नहीं करना चाहिए। क्यों ना यकीन करूं, मैं भी दुनिया वालों में से हूँ, मुझे भी इस दुनिया में रहना है। तुम्हारे यहाँ जो मेहमान आया था वो कौन था, वो क्यों भाग गया? तुम्हारी माँ का और उसका क्या संबंध? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरे प्यार का गला घोट दिया, मेरी दादी के बुढ़ापे का अपमान किया, मेरी पवित्र माँ पर कलंक लगाया। मैंने जानती थी कि तुम एक गरीब लड़के से अपना दामन छुड़ाने के लिए इतने नीचे गिर जाओगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, आज से हमारा तुम्हारा कोई। मुझे अचल में छुपा लो माँ, ये दुनिया बहुत गंदी है, मेरे में संग दिल मुझे नफरत हो गई दुनिया। क्या हुआ बेटी, सुंदर से झगड़ा हो गया? सुंदर ना, मैंने उसका, मैं जिंदगी फिर उसका मुंह नहीं देखूंगी।
क्या समझता है अपने आप को? हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत वाले। क्या कहा उसने? क्या नहीं कहा उसने? उसने हमारी गरीबी को गाली दी, हमारे खानदान को बदनाम किया, मेरी देवी जैसी पवित्र माँ को बदचलन कहा। जबान क्यों न जल गई उसकी ये कहते हुए कि मेरी माँ के पेट में पाप पल रहा है। माँ, रो मत माँ, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दुनिया वालों से मुकाबला करेंगे और साबित कर देंगे कि हम अच्छे हैं और वो जलील है। माँ चंदा, तू जार सुंदर से माफी मांग, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटे, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे लिए तुम अपने माथे पर झूठा कलंक क्यों लगा रही हो? मैं जन्म भर कुमारी रहूंगी, लेकिन तेरी इज्जत पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगी। ये बात नहीं बेटी, इसमें सुंदर का कोई कुसूर नहीं, कुसूर मेरी बदकिस्मती का है। क्या मतलब? तो जो कुछ सिंगर ने कहा वो सच है, बोलो माँ, बोलती क्यों नहीं? हाँ बेटी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? माँ, मुझे छू मत, मैं अनाथ हो गई, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा मत कहो चंदा, ऐसा मत कहो। ये बात तूने क्यों की हो? किस लालच में तूने अपने आप की शर्म हटा दी? कौन से सुख के लिए तुमने अपने आंचल में दाग लगा लिया? चंदा, तू गलत समझ रही है बेटी, मैं तुझे और कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैंने पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। तूने कोई पाप नहीं किया, प्यार किया जो पाप बन गया। मैं न जानती थी कि मेरी इज्जत बचाने वाला हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। मैं तुझे तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस नीच को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप रह, मैं तुम्हें सब बोल। बोलती क्यों नहीं? खबरदार, जो तूने मुझे बेटी कहा, तुझे माँ कहते मुझे शर्म आती है। चंदा ठीक कहती, आज से तुम्हें बहन कहते हुए मुझे भी शर्म आती। भैया मत कहो मुझे भैया, तुमने अपनी करतूत से मुझे बेटे की नजरों से, दुनिया की नजरों से गिरा दिया है। जिस झोपड़ी को मैं एक मंदिर समझता था, वो एक पाप की कोठी निकली, और जिसको मैं जीती जागती देवी समझता था, वो एक गैरत बेचने वाली कुलचा निकली। ऐसा ना कहो भैया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो क्या ना ये समझो कि एक विधवा के पेट में पुण्य की निशानी पड़ रही है? जानती, तूने अपना ही घर बर्बाद नहीं किया, मेरा घर भी बर्बाद कर दिया है। तुमने अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगा दी है, अब उससे कौन शादी करेगा? मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ भैया, मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं किस मुंह से सुंदर से कहूँ कि तू एक आवारा बच्चन विधवा की बेटी से ब्याह कर ले? खबरदार, खबरदार, मेरी बहू को किसी ने आवारा बच्चन कहा? धर्मदास, तुम्हारे उपकार मैं जन्म भर नहीं भूल सकती, लेकिन मेरी बहू को ऐसा मत कहो। मेरी बहू नेक पवित्र है। तुम्हारे कहने से क्या होता है माँ? आज घर घर चर्चा है तुम्हारी इस बहू का, जिसने पति के मरने के बाद इस उम्र में कलंक का टीका लगाया। चंदा, सुहाग बना रहे मेरी बहू का, ये निशानी मेरे बेटे की, जो मरा नहीं जिंदा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? क्या कह रही हो? खानदान की इज्जत बहुत बड़ी है, खानदान की इज्जत के लिए माँ अपने बेटे का बलिदान दे सकती है। बोल 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 माँ, माँ तो चुप क्यों हो गई? बोल बोल, बता मुझे, बता। दिवाली में, दिवाली में जो यहाँ मेहमान आया था ना, वो मेहमान नहीं था, मेरा बेटा रामू था। रामू, रामू तुम्हारा बेटा। माँ, माँ, अगर तुम्हारा बेटा जिंदा है, इसका पति जिंदा है, तो फिर इस बेचारी को सुहागन हो तो वह विधवा को बना रखा है, क्यों नहीं दुनिया से कह देती कि तुम्हारा बेटा जिंदा है? यही तो कुदरत का अनोखा खेल है बेटा, माँ बहू बेटी होते हुए वो हमें अपना नहीं सकता, घर होते हुए वो यहाँ रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खूनी है। आज से 14 साल पहले बंगलोर में उसके हाथ से श्यामा नाम की लड़की का खून हो गया था। तब से मेरा रामू पराया है।
बचाने के लिए तुमने मेरा स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया। उनके लिए मैं अपनी जिंदगी पर खेल जाती हूँ। अब तक मेरा राम जिंदा था, आज मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। दादी ने तुम्हें अपना बेटा बनाया और तुमने उसी का घर बर्बाद किया। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दादी को इस बात का पता चलेगा तो वो मर जाएगी। माँ को दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा बाबा जिंदा होता तो तुम्हें जान से मार डालता। चंदा, मैं कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारा? चंदा, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। तुम हमारे कोई नहीं हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं। नहीं चंदा, मैं चंदा मैं लड़की हूँ, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो, भगवान तुमसे जरूर बदला लेगा। चंदा कहाँ जा रहे? मुझे जाने दो मोहन बाबू, मेरे घर वालों की जिंदगी खतरे में। अंदर जाओ। ये पाप हम हमारे मोहल्ले में रहने देंगे? हरगिज नहीं। निकालो यहाँ से, निकालो, निकालो, निकालो। हम अपने मोहल्ले में ये गंदगी नहीं फैलने देंगे। हाँ, नहीं फैलने देंगे। चुपचाप चले जाओ, वरना जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। जबरदस्ती निकालेंगे? तुम कौन होते हो निकालने वाले? तुम्हारे बाप का राज है क्या? कल की छोकरी बुजुर्गों का अपमान करती है, तुझे शर्म नहीं आती? चंदा तू चुप हो जा, इन्हें कुछ मत बोल, कुछ मत बोल चंदा। यही है वो बच्चन विधवा, निकालो इसे। ये नीच है, मारो इसे। ये कुलचा है, ठीक नहीं है। काम मत करो, चल यहाँ से निकल चले। यह इंसान नहीं है, बांध रहते हैं जो औरतों पर बहादुरी दिखाते हैं। तुम पाप को मिटाना चाहते हो ना, तो जाओ उस आदमी को पकड़ो जिसने सबला की जिंदगी बर्बाद की। आगे कुछ मत बोल, मुंह तो देखो मेरी कसम। भाइयों, ये तमाशा नहीं है, ये धर्म का काम है। ये लोग शांति से नहीं जाएंगे। आप तो जानते हैं, एक गंदी मछली सारे तालाब को खराब कर देगी। बेशक। ठीक तो कहते हैं लक्ष्मी दास जी। तो फिर पंचायत की चार आए हैं? घुसो अंदर, निकालो इनका बोरिया। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटा। चंदा बहू तो अंदर जा, मैं इनको समझाती हूँ। सेठ जी, इस बुढ़िया पर भरोसा करो, मेरी बहू नेक पवित्र है। बदकिस्मती तो ये कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाप करती हूँ। भाइयों, इस बुढ़िया के रोने पर मत जाओ। यही है वो पाप की बुढ़िया जिसने पेट के लिए अपने बहू को बाजार में बिठा दिया। अगर यही मिसाल तुम अपने बाल बच्चों के सामने रखना चाहते हो तो रहने दो ही नहीं यहाँ। नहीं नहीं, हम इसे यहाँ हरगिज नहीं रहने देंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। उस्ताद, देखते क्या हो, घुसो अंदर और घसीट के निकालो उस बुढ़िया को बाहर। अरे धर्म के ठेकेदारों, भगवान से डरो, नहीं तो तुम्हें पछता लो। अगर भगवान का डर नहीं होता तो तुझे उठा के कुएं में फेंक देता। चल चल शाबाश उस्ताद, शाबाश। घसीट के उस बुढ़िया को बाहर निकाल, पकड़ के। चल बुढ़िया, हो मैं आ गया। बेटा तू क्यों आया, तू क्यों आया? भाइयों, यही है वो पापी आदमी जो कब करके भाग गया। बचो आज जल्दी। अब अवतार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। चले जाओ अपने अपने घर। जरा आपके साथ तो हम भी नहीं जाते। ले जाओ आपने रखी तो अपने साथ। खामोश। सुरेश की बात मुंह से निकाली तो जबान खींच लूंगा। जान की मेरी पत्नी। सुना भाइयों, ये इसका पति है। कोई पति जिंदा होते हुए अपने पत्नी को विधवा बनाता है, जरूर इसमें कोई राज है। ये बदमाश है, चलो पुलिस को खबर कर दे। पुलिस आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं माँ, तुम लोगों की इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। अरे पुलिस, अरे पुलिस, पुलिस, पुलिस। इंस्पेक्टर साहब,
आदमी खतरनाक है, उसके हाथ में पिस्तौल है। जानता हूँ वो कातिल है। तुम सब लोग हट जाओ यहाँ से, यहाँ गोली चलेगी। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। पिस्तौल गिरा दो वरना गोली चला दूंगा। रामू, माँ। आखिरी बार कहता हूँ, पिस्तौल गिरा दो वरना गोली चला दूंगा। जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको देख के मुझे चंदा का ख्याल आ जाता है। हवलदार, हथकड़ी लगाओ। चलो इजाजत है इंस्पेक्टर साहब। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका माँ, मुझे आशीर्वाद दो फिर से तुम्हारे कोख में जन्म लूं, पेट का फर्ज पूरा करूंगा। जानती अब माँ की देखभाल तुम्हें करना है, शायद ये सब मैं उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे लिए दुआ के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रह सकूं? मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कसूर नहीं बेटे, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम था। चलो हलो बोलते बाबा, एक मिनट के लिए रुक जाओ बाबा। जाने से पहले मेरी माँ की मांग में सिंदूर भर दो, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरी माँ पवित्र है। मुझे एक ही बात का दुख है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठहरो, ये क्या हंगामा है? ये चंदा के चाचा को क्यों गिरफ्तार किया, क्या किया इसने? ये चंदा का चाचा वाचा नहीं है बापू। हाँ? ये उसका बाप है जो एक औरत का खून करके परसों फरार रहा और पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता। मुझे सब कुछ पता है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, छोड़ दो इसको। मैं जानता हूं बापू ये आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन कानून रिश्ता और हमदर्दी नहीं जानता। इसने खून किया है और खूनी को गिरफ्तार करना पुलिस वालों का फर्ज है। मैं पुलिस के फर्ज को अच्छी तरह जानता हूं। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, पुलिस की नौकरी में किए हैं। पुलिस का असली फर्ज है कि गुनेगार को जरूर पकड़े, मगर बेगुनाह पर तो आंच नहीं आनी चाहिए। ये बेगुनाह नहीं खूनी है और अपने जुर्म का इकरार भी करता है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए धर्मदास जी, मैंने खून किया। तुम चुप रहो जी, मुझे बोलने दो। इंस्पेक्टर साहब, किसी का इकरार बगैर सबूत के किसी काम का नहीं होता। ये तो नादान है जिसे जल्दबाजी में अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बर्बाद करती है। मैं भी कहता हूँ बेटा, इसको छोड़ दो। धर्मदास जी, मैं इस वक्त आपका बेटा नहीं, एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और कानून के अमल में दखल देने के जुर्म में मुझे कहीं आपको गिरफ्तार करना पड़ जाए। कानून का सही अमल हो, अगर ये देखना जुर्म है तो कर लो मुझे गिरफ्तार। बापू क्या हो गया है तुम्हें, मुजरिम खुद अपने मुंह से इकरार कर रहा है और तुम उसे बचाने जा रहे हो? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि वो खूनी नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक तजुर्बेकार हवलदार बगैर सबूत के कभी कदम नहीं उठाता, समझे? सबूत बताता हूँ तुम। आओ। शमा, शमा सिंधार। इंस्पेक्टर साहब, आपको सबूत चाहिए ना?
ये रहा सबूत। इसी के खून के जुर्म में आपने इस भले आदमी को गिरफ्तार किया है ना? बापू जी, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाबा, माँ, माँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम इंस्पेक्टर हो तो हम भी इंस्पेक्टर के बाप हैं, हैं?